फ्रेंड्स, डी ब्लॉक्स की ई क्लासेस में आपका स्वागत। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपके लिए आरबीआई की छठी मौद्रिक नीति की समीक्षा क्या है, इसके बारे में आज आपको हम बताएंगे। तो आइए शुरू करते हैं। क्या है आरबीआई की छठी मौद्रिक नीति में, क्या क्या व्यवस्थाएं हैं, क्या रूल्स रेगुलेशन, आइए आज आपको बताते हैं। तो भारतीय रिजर्व बैंक यानी कि आरबीआई के गवर्नर डॉक्टर रघुराम राजन ने 2 फरवरी 2016 को चालू वित्त वर्ष 2015-2016 की अंतिम एवं छठी मौद्रिक नीति की द्विमासिक समीक्षा जारी की। राजन ने इस समीक्षा के दौरान ऋण दरों को प्रभावित करने वाली सभी वैधानिक दरों, रेपो दर, नगद आरक्षित अनुपात और बैंक दर को वर्तमान स्तर पर स्थिर रखा है। राजन ने इस बात पर गंभीर चिंता व्यक्त की कि विगत वर्ष 1 वर्ष में रेपो दर में 125 आधार अंकों यानी 1.25 की कटौती के बाद भी बैंकों ने ग्राहकों को मात्र 0.65% की राहत प्रदान करते हुए अपनी आधार दर पर कमी की है, ने आधार दर कम की है, जबकि ऋण की ब्याज दरों में इससे अधिक की कटौती की उम्मीद थी। आरबीआई की अगली समीक्षा 5 अप्रैल 2016 को की जाएगी, जो 29 फरवरी 2016 को पेश होने वाले आम बजट पर निर्भर करेगी, क्योंकि इस बजट में अगर राजकोषीय घाटे के अगले 2-3 वर्षों तक स्थिर रहने की उम्मीद बनती है, तो अगली समीक्षा में नीतिगत दरों में कटौती की जा सकती है। इस समीक्षा के मुख्य बिंदु क्या थे, मुख्य बात क्या थी, तो आइए आपको बताते हैं। वित्त वर्ष 2015-16 के दौरान आर्थिक विकास दर 7.4% रहने का अनुमान है। यह अनुमान देशों में निजी निवेश की घटती गति, कई उद्योगों में मांग से स्थापित क्षमता का होना और निर्यात की दयनीय दशा के आधार पर लगाया गया है। वित्त वर्ष 2016-17 के दौरान महंगाई दर 5% रहने का अनुमान है। मार्च 2016-17 तक यह 6% रहेगी। आर्थिक समीक्षा 2015-16 में वित्तीय वर्ष 2016-17 में महंगाई दर के 4 से 4.5% रहने का अनुमान व्यक्त किया गया है। वर्ष 2016-17 में केवल सकल घरेलू उत्पाद यानी जीडीपी वृद्धि दर 7.6% रहने की आशा है। और मौद्रिक नीति की वर्तमान दर मार्च 2016 में क्या थी, वो आपको हम बता रहे हैं। रेपो दर 6.75% थी, रिवर्स रेपो दर 5.75%, नगद आरक्षित अनुपात यानी कि CRR 4% था, बैंक दर 7.75% था, सर्वाधिक तरलता अनुपात 2:1 यानी कि 21.5% है, यानी कि SLR जो होता है, सीमांत स्थायी सुविधा 7.75% यानी कि MSF जो होता है वो 7.75% रहने की मतलब रही है। तो यही थे मुख्य बिंदु। तो आज की वीडियो में बस इतना ही दोस्तों। आज वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें, और नई नई जानकारी उसके साथ जुड़े रहें। थैंक यू गाइस।